गोवर्धन गिरिराजी धाम में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चारों ओर देखने पर जगह जगह गिरिराजी के भक्त जयकारे लगा रहे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में गिरिराजी को लेकर बड़ी आस्था नजर आ रही है। इसी के चलते आज गोवर्धन गिरिराजी धाम में दिल्ली से आए श्रद्धालुओं के द्वारा एक मद भागवत सप्ताह का आयोजन दानघाटी मंदिर के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया, जहां के भागवताचार्य द्वारा सभी ब्रजवासियों को कथा में आने का निमंत्रण दिया गया और लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर घाटी मंदिर बड़ा बाजार चकलेश्वर दसविसा होते हुए एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं और युवतियों ने सर पर ठाकुर जी के नाम की मटकी रखते हुए गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर शोभा यात्रा का पूर्ण आनंद लिया। कहाँ की रहने वाली है? आज यहाँ आप भागवत आयोजन में गिरिराज जी धाम पधारी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा, क्या यहाँ की गोवर्धन की महत्वता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? कैसा लग रहा है यहाँ करके आपको? अभी आप शोभा यात्रा में जाएंगे, बताएं क्या नाम है आपका? भगवान। अच्छा, आज ये भागवत की जो यात्रा निकल रही है, कहाँ इसका आयोजन होना है, किस तरीके से कहाँ से चलेगी, कहाँ तक पहुँचेगी? लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ हो रही है और घर में आते हुए पंचगंगा होते हुए यहाँ वापस आएगी और महाराज पंडित श्री जो क्या प्रसाद हैं उनके साथ में हमारे भक्त लोग हैं दिल्ली से, भोगल से महेंद्र भाई और देवेंद्र भाई जी अपने सारे परिवार को लेकर वहाँ से आए हैं। जगह जी के बड़े भक्त आएंगे और इनकी बड़ी भावना रही है कि हम जगह जी के सानिध्य में जगह जी को कथा सुनाएंगे। कब से कब तक क्या आयोजन इसका किया जाएगा? ये आज से प्रारंभ हो गए, 22 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को भंडारा है तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं भंडारे में।